वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में किस तरह चेंज करते हैं एंड वाइस वर्सा, असर्टिव सेंटेंस को अगर एग्जाम में आते हैं और हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है तो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एग्जाम में किस तरह पहचान सकते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इमोशन, हमारे एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हैं एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इन सेंटेंसेस को हम बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। तो वी सी हियर एन एग्जांपल, व्हाट अ नाइस कार। हमने एक बहुत सुंदर सी कार देखी और उस कार को देखते ही हमारे मुंह से निकला कि व्हाट ए नाइस कार, कितनी सुंदर कार है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एग्जांपल आप यहाँ भी देख सकते हैं, व्हाट अ ग्रेट थिंग। तो हेयर वी आल्सो सी द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड हेयर। नाउ वी सी असर्टिव सेंटेंसेस। Most of the time, whether we are speaking, we are talking, we are writing, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो ज़्यादातर जो हमारे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव ही होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? These sentences declares or asserts a statement, feeling, opinion, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग। असर्टिव सेंटेंस के द्वारा हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ओपिनियन देते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं। किसी इंसिडेंट के बारे में अगर हम बता रहे हैं, अगर हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री और एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ द असर्टिव सेंटेंसेस। नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ assert, कि assert का मतलब क्या होता है। Assert means to state a fact or belief। हम किसी fact को बता रहे हैं या अपने किसी belief के बारे में बात कर रहे हैं confidently and forcefully। That is the meaning of assert। Now we see the example। The company asserts that the cuts will not affect development। तो इन दिस सेंटेंस वी सी कि लास्ट में जो मार्क है, पंक्चुएशन मार्क, वो क्या यूज़ हुआ है, पीरियड, इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। एंड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने जो पंक्चुएशन मार्क देखा था वो था हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, लाइक दिस। एंड इन असर्टिव सेंटेंस वी यूज़ पीरियड और फुल स्टॉप लाइक दिस। An assertive sentence ends with a period। Assertive sentence can be either affirmative or negative। ये हम पहले की वीडियोज़ में भी सीख चुके हैं। तो affirmative और negative तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये sentence हमारा affirmative में है। तो now we see कि हम convert कैसे करते हैं। अब इसमें हम कुछ rules को follow करते हैं। तो we see rule number वन, if exclamatory sentences, if exclamatory sentence starts with how, what, we convert them in very or great। अगर हमारा कोई sentence है और हमारा वो जो sentence है वो किससे start होता है, हमारा sentence start होता है how से या what से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, हाउ से। तो रूल फर्स्ट रूल वन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वेरी या ग्रेट में। ये आपकी चॉइस है, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
तो देखिए, हमने कोई बिल्डिंग देखी, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, द बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव. हाउ अट्रैक्टिव द बिल्डिंग इज, हमको क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव बनाना है तो हमें क्या चेंज करना होगा. एक तो हमको द बिल्डिंग से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे, एंड नंबर थ्री, हाउ को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, वेरी या ग्रेट में. तो देखिए, द बिल्डिंग इज, हाउ को कन्वर्ट हमने कर दिया वेरी में, एंड जो एडजेक्टिव था वो एज इट हमने यूज कर दिया. द बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव. और जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क था उसको हटाकर हमने फुल स्टॉप यूज कर दिया. तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया, असर्टिव, ये एक स्टेटमेंट बन गया. तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपका सेंटेंस हाउ से स्टार्ट है या व्हाट से स्टार्ट है, तो देखिए इसको भी हम यहाँ से शुरू करेंगे. इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग. तो व्हाट को हमने किस में चेंज कर दिया, वेरी में. थर्ड सेंटेंस देखिए, How happy she looks. She looks very happy. Next sentence, What a work you have done. You से start करेंगे, You have done, और जो what था उसको हमने change कर दिया great में. You have done a great work. Rule number two हम देखते हैं, ये थोड़ा सा different है, कि जो सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एलास, हुर्रा, ब्रावो, चेंज इनटू इट इज सैड, इट इज जॉयफुल एट्सेट्रा. तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है एलास, ये एक्सप्रेस करता है सैडनेस और रिग्रेट. अगर वी आर स्पीकिंग दिस वर्ड तो इट मींस कि वी आर फीलिंग सैड. अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से स्टार्ट होता है तो हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इट इज सैड. दैट से सेंटेंस कनेक्ट करेंगे, इट इज सैड दैट सी डाइड सो यंग. सो को बैरी में कन्वर्ट कर दिया है, तो वी कैन सी द सेंटेंस फॉर्मेशन. एलास को हमने इट इज सैड में चेंज किया है, हमने एक कनेक्टिव यूज किया है दैट, एंड The same, she died very young. Next, जो word है हुर्रा, I have qualified the exam. हुर्रा, I have qualified the exam. तो ये जो word है हुर्रा, ये क्या express कर रहा है? This is expressing joy. इससे हमारी happiness express हो रही है. आपने कोई एग्ज़ाम दिया था और आपने क्या उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है. तो इस सेंटेंस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल. उसके बाद हमने दैट कनेक्टिव का यूज़ किया है, एंड आफ्टर दैट आई हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम. तो आपने दोनों सेंटेंसेस में देखा, इससे क्योंकि सैडनेस एक्सप्रेस हो रही थी तो हमने लगा दिया इट इज़ सैड. इससे जॉय या हैप्पीनेस एक्सप्रेस हो रही थी तो हमने लगा दिया इट इज जॉयफुल. वी विल प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल. नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है ब्रावो. ब्रावो, वेल डन. तो जो ये वर्ड है ब्रावो, ये एक्सप्रेस करता है हमारा एप्रिशिएशन. हम किसी को एप्रिशिएट कर रहे हैं या वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी एट द अचीवमेंट ऑफ सब परफॉर्मर. हम प्लेजेंट फील कर रहे हैं, हम तो वी एक्सप्रेस प्लेजर, वी एक्सप्रेस अप्रिशिएशन बाय यूजिंग दिस वर्ड. किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप उसको शाबाशी दे रहे हैं. देखिए ब्रावो को हम किस में चेंज कर देंगे, वेल डन. यू हैव डन वेरी वेल, या तो आप इस तरह बना दीजिए, या फिर It is joyful that you have done well. आप इस सेंटेंस को दोनों तरह से बना सकते हैं. तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो ये थ्री सेंटेंसेस हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे.
नेक्स्ट हम रूल नंबर 3 पर आते हैं. इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विद ओ ओ इफ वुड कुड यूज आई विश इन असर्टिव सेंटेंस. देखिए अगर आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है या ओहो आ रहा है, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप उस वर्ड को हटा देंगे और उसकी जगह क्या यूज करेंगे, आई विश. देखिए पहला एग्जांपल, ओ दैट आई वर रिच. जो पर्सन है वो अपने मन की डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि काश मैं रिच होता, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ओ आपने रिमूव कर दिया और आपने उसकी जगह क्या लगा दिया, आई विश. आई विश दैट आई वर रिच. सेकंड देखिए, ओ दैट आई वर यंग अगेन. ये तो ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर होती है कि काश हम फिर से यंग हो जाएं. तो आप सेम चेंज करेंगे, ओ को रिमूव करके आप आई विश लगा देंगे, ओ आई विश दैट आई वर यंग अगेन. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. ओ फॉर ए प्राइज, ओ को हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने आई विश यूज कर दिया. आई विश आई हैड गॉट अ प्राइज. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वुड, वुड उसी सेंस में यूज हुआ है. वुड दैट वी मे लिव टुगेदर. आई विश दैट वी मे लिव टुगेदर. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस हम इस देखते हैं. इफ आई कुड सी गॉड, काश मैं भगवान को देख पाता. तो इसमें हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, आई आर्डेंटली विश. आप चाहें तो आप आई विश लगा दीजिए ओनली, या आई आर्डेंटली विश टू सी गॉड. तो ये तो आपने सीखे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. अगर आप एग्जाम में कोई असर्टिव सेंटेंस आ जाता है और आपको उसको ब्रैकेट पे लिखा होता है कि आप इसको एक्सक्लेमेटरी बनाइए, तो जो भी रूल हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आपने आई ये वाला सेंटेंस आ गया आपका, तो आप क्या बना देंगे, रिवर्स कर देंगे इसको. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. सोचिए असर्टिव सेंटेंस एग्जाम में हमारा आ जाता है, सी लुक्स वेरी हैप्पी. सी लुक्स वेरी हैप्पी, और ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है कि आपको ये बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, तो आप इसको कैसे बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी. आपको पता है कि वेरी को आप चेंज कर दें हाउ में, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, हाउ हैप्पी सी लुक्स, एंड आफ्टर दैट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो इस तरह आपका ये चेंज हो जाएगा. एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि इसको देखते हैं हम. It is a very fine morning. It is a very fine morning. तो आप देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे. What a fine morning. What a fine morning. इट इज, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगा देंगे. तो इस तरह से आप जस्ट जो रूल्स थे उनको अपोजिट करके आप एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो जो भी आपकी एक्सरसाइजेस हैं आप उनको करिए, और अगर आप किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.